YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही यूसी न्यूज़ और यूसी ब्राउज़र में हमें फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जयंती 19 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि भी पड़ रही है, जो कि इस दिन को और भी अधिक पवित्र एवं पुण्यदायी बना रही है। हनुमान जयंती पर ही दो खास ज्योतिष नक्षत्र भी बन रहे हैं। पहला है चित्रा और दूसरा है गजकेसरी योग। हनुमान जयंती हनुमान जी का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए इस घड़ी में जो भी व्यक्ति हनुमान जी का केवल नाम मात्र भी स्मरण कर लेता है, तो बजरंग बली उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ज्योतिष गणनाओं के आधार पर जो भी व्यक्ति शुभ मुहूर्त पर हनुमान जी के विशेष उपाय कर ले, तो उस व्यक्ति की पूजा का विशेष फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए आपको हनुमान जयंती से जुड़ा यह विशेष उपाय बताने से पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त बता दूँ, क्योंकि इस शुभ मुहूर्त पर यदि आप हनुमान जी की केवल सामान्य पूजा आराधना भी कर ले, तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस साल पूर्णिमा तिथि दो दिन पड़ रही है, 18 और 19, जिसकी वजह से हनुमान जी की जयंती को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बल, बुद्धि और शौर्य के प्रतीक श्री हनुमान जी का जन्म दिवस 19 अप्रैल को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार शुभ चित्रा नक्षत्र और त्रिपुष्कर योग में हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप में अवतरित हुए थे। 18 अप्रैल को शाम 7:26 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है। इसके बाद पूर्णिमा 19 अप्रैल को 4:41 पर शाम के समय समाप्त होगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 18 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 19 अप्रैल को सूर्योदय से दोपहर तक हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इसलिए दोस्तों, 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन ही हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। दोस्तों, आपको बताया कि हनुमान जयंती तिथि शुक्रवार 19 अप्रैल 2019 को है, और पूर्णिमा तिथि जो आपकी आरंभ होगी वह 18 अप्रैल शाम को 7:26 पर आरंभ होगी, तथा जो पूर्णिमा तिथि की समाप्ति का दिन है वह 19 अप्रैल 4:41 पर होगा। और दोस्तों, इसी समय यानी कि 19 अप्रैल की सुबह से शाम 4:41 तक हनुमान जी की पूजा का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि इसी बीच गज केसरी योग भी बन रहा है, जिस कारण आपकी पूजा और जो आपने भगवान से प्रार्थना करी है वह बहुत जल्दी ही भगवान तक पहुंचेगी, और हनुमान जी आपके हर संकट को दूर करेंगे और आपके मनोरथ को सिद्ध कर देंगे। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान पूजा या उपाय से पहले आप हनुमान जयंती से जुड़ी यह कथा अवश्य सुन ले, क्योंकि ऐसा करना आपको इस दिन की पूजा और उपाय का दोगुना फल देगा। शास्त्र में यह वर्णित है कि जो भी भक्त हनुमान जयंती के दिन केवल इस कथा को सुन भी लेता है, तो उसके सभी जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु दीर्घ होती है तथा उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दी, तो केकई के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। चील जब उड़ती उड़ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तो अंजना उस समय ऊपर की ओर आकाश की ओर देख रही थी। उस समय अंजना का मुख खुला हुआ था। जैसे ही वह चील अंजना के पास से होकर गुजरी, अंजना के खुले मुंह में थोड़ा सा भाग खीर का गिर गया और अनायास ही वह उस खीर को खा गई, जिससे उनके गर्भ से शिवजी के अवतार हनुमान जी ने जन्म लिया। चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था।
दोस्तों हनुमान जयंती के उपाय से पहले आपको बता दूं कि इन पांच चीज़ों को आपको हनुमान जयंती के दिन भूल से भी नहीं करना है, वरना आपकी पूजा और उपाय दोनों ही विफल तो होंगी ही, साथ ही हनुमान जी भी आपसे गुस्सा हो जाएंगे। यूं तो हनुमान जी जल्दी नाराज नहीं होते, लेकिन उनकी पूजा के समय जाने अनजाने में हुई गलतियाँ उन्हें क्रोधित कर सकती है। हनुमान जी को लाल रंग बहुत पसंद है। हनुमान जयंती में जब आप उनकी पूजा करें तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। उनके पूजन में लाल रंग के कपड़े, फूल आदि ही आपको अर्पित करने हैं। उनकी पूजा के समय काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र आप ना पहने। आप लाल या फिर पीले रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। हनुमान जयंती पर यदि आपने उपवास रखा है या फिर आप उनके लिए खास पूजा का आयोजन कर रहे हैं तो उस दिन भूलकर भी आप नमक ग्रहण ना करें। इसके अलावा दान में दिए प्रसाद, खास तौर से मिठाई, आपको खुद नहीं खानी। हनुमान जी की पूजा के दौरान आपको चरणामृत का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का भी ख्याल रखें कि पूजा में बजरंगबली की खंडित मूर्ति ना रखी हो। यदि जाने अनजाने में ही आपने तामसिक भोजन अर्थात मांसाहार और शराब का सेवन कर लिया तो हनुमान मंदिर ना जाएं और ना ही उनकी पूजा करें। तो दोस्तों अब चलते हैं उस विशेष उपाय की ओर। हनुमान जयंती के दिन आपको सर्वप्रथम सुबह के समय स्नान इत्यादि कर लेना है। इसके बाद आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें, तभी आप पूजा के लिए बैठे। सर्वप्रथम घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। अब हनुमान जी की फ़ोटो या प्रतिमा को आपको लाल रंग के कपड़े पर रखना है और हनुमान जी के सम्मुख आपको सरसों के तेल का दीपक जला देना है। अब उसमें आप एक साबुत लौंग डाल दें जिसमें फूल हो। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने के पश्चात आपको हनुमान जी की पूजा आरती कर लेनी है। अब आपको आपने जो एक लौंग हनुमान जी की पूजा में प्रयोग दिए में डाला था उसे निकाल लें और अपने बच्चे के कान में आप हनुमान जी के इन चार शक्तिशाली नामों को चुपचाप बोल दें। दोस्तों वे नाम हैं अमित विक्रम, दशग्रीवद प्रिहा, पिंगाक्ष, रामेष्ठ। और अब इन चार नामों को लेने के बाद उस लौंग को आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी के प्रतिमा के चरणों में रख देना है और दोनों हाथ जोड़ते हुए हनुमान जी से यह मनोकामना आप मांगें कि आपका बच्चा हर जगह आपका नाम रोशन करे। दोस्तों इस उपाय मात्र से आपके बच्चा बुद्धिवान, बलवान तथा दीर्घायु होता है। इसके साथ ही साक्षात हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके बच्चे पर, आपके पूरे परिवार पर होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।